इस वीडियो में आप देखेंगे देखते हैं इस लिफाफे के अंदर दो मेरे। थैंक यू कृष्णा जी। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका पागल आत्मा ब्लॉग्स में। तो आज है सोमवार, बहुत शुभ दिन है, और उससे ज़्यादा शुभ दिन इसलिए क्योंकि आज कल चल रहा है चैत का महीना यानी बिटोले का महीना। तो आज हमारे लिए भी नानी ने भेजा है बिटोला, और हम लोग भी कर रहे हैं, मेरी बुआ और दीदी और मेरा बिटोला। तो मेरे को लगता है आज थोड़ी बहुत कमाई भी होगी, बिटोले का महीना है और मेरा बिटोला होना है तो पैसे तो मिलने हैं। तो इसी खुशी में थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ मैं भी, चलती हूँ। चलिए पैसा ही पैसा हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तले जा रहे हैं बड़े, जिससे बनेंगे दही बड़े, और ये रहे छोले। छोले बनाने के लिए यहाँ पे कट चुका है प्याज और टमाटर। अब मैं काट लूँ कद्दू, और ये कट गया कद्दू बनने। हमारे छोले इसके लायक कोई लड़का मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज यहाँ पे सब अपना वेट नाप रहे हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा किसका वेट है। 57 51, मेरा भी 51 किलो। ताई बना रही है रोटियाँ क्योंकि मैं पूरी नहीं खाती हूँ, मेरे लिए रोटी बन रही है। फूफा जी और मैं पूरी नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे। मैं शाम को खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी। और इधर है पूरी। तो गाइस, मैं पिछले 2 महीने से डाइटिंग कर रही हूँ, लेकिन आज मेरा नसीब यह है कि घर में बिटोले की वजह से पकवान बन रहे हैं, और पकवान देख के मेरा मन थोड़ा सा डगमगा सा गया है। और मैं हर चीज़ खाने में नखरे दिखाती हूँ तो मुझे मिल नहीं रहा है नीचे खाने के लिए, इसलिए मैंने एक तरकीब लगाई। नीचे तो मिल नहीं रहा है, और चोरी करने का नीचे मौका नहीं है कुछ खाने के लिए, सब वहीं पर है। इसलिए मैंने सोचा मैं ऊपर जाती हूँ मंदिर में, जो भगवान के लिए भोग के लिए रखे हैं पुए, उनमें उसमें से दो बस दो टेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं आ गई मंदिर में खाने। हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो ये रहे भगवान जी के लिए रखे हुए पुए, इसमें से दो मेरे। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू, बाय। इसकी शादी की उम्र हो गई है तो मानना है कि अगले साल तक इसकी शादी हो जाएगी और बिटोला इसके ससुराल में दिया जाएगा। तो आप क्या कहेंगी शादी के बारे में? तो दोस्तों, मेरा बिटोला भी हो रहा है और मेरे को पैसे मिलेंगे बिटोले के। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद ये बिल्कुल सो गई, ये नहीं कि कुछ काम कर दूँ, काम चोर गएंगी, खाया और सोया। आजकल की जनरेशन खराब हो चुकी है, कुछ काम धंधा नहीं है, खाते हैं सो जाते हैं, फिर भी इनका वजन नहीं बढ़ता। तो सुबह से अभी मेरे को फुर्सत मिली अपने लिए दही बड़े खाने के, दो मैं भी खा लेती हूँ, मेहनत करिए तो फल तो मिलना चाहिए। सो गाइस, देखते हैं इस लिफाफे के अंदर कितना रुपया है। 500 ये रहे, 500 ये रहे, और ये रहे 200, टोटल हो गए 1200 रुपये। तो गाइस, 1201 रुपये की कमाई हो गई आज। मतलब लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है स्कोप इन चीज़ों में, अगर आप पहाड़ी हो तो फिर ज़्यादा है। पहाड़ों में इतने त्यौहार होते हैं ना, हरेला, देली पूजा, इतने सारे, और बिटोला तो खास करके, तो हमारी तो फ्री में इतनी इनकम हो जाती है ना। बेचारे लड़के, लड़की होने का ये फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। तो गाइस, थोड़ा पड़ोसी धर्म निभाते हैं, अपने पड़ोस में ये बिटोला देने जा रही हूँ अब मैं। दो पड़ोसी हमारे बहुत अच्छे क्लोज है काफी, तो उनको देने। गाइस, मैं गई थी आंटी को बिटोला देने और आंटी ने मेरे को वापसी में दे दिया पुदीना। तो आज सारा काम जितना भी कराया है, सुबह से खड़े होकर इतना काम कर रखा है, खाना बनाना, इतने सारे अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, अब सरदर्दी भी हो गई है। तो अब मैंने डिसाइड करा है कि 1201 रुपये में से 1 रुपये इनाम दिया जाएगा। ये लो 1 रुपये का इनाम, बाय टाटा, खत्म खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय। अंकित मामा का बेटा है, लेके आया था बिटोला हमारे लिए, इसको खिला रहे हैं दही बड़े, आज यहीं रुकेगा हमारे साथ। देखते हैं क्या क्या लेके आए बिटोले में, नानी ने क्या क्या भिजवाया है। तो नानी ने हमारे 1 साल का पूरा अगरबत्ती और धूप का खर्चा बचा दिया है, इतना सारा धूप और अगरबत्ती भेजा है कि एक दुकान खोली जा सकती है, और इसमें थोड़ा सा दूध और दही है,
बाकी ये रहा प्रसाद नवरात्रि का मंदिर की पूजा के। जय हो मैया हिंगला देवी की। शाबाश बेटा।